In this video, we will see one numerical based on Cyrus Beck algorithm. इससे पिछले वीडियो में भी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. That numerical was corresponding to a window which was of a rectangular size. Now, in today's class, we are going for one more numerical. Numerical है. Consider a polygonal window whose vertices are defined as V1 10, V2 01, V3 02, V4 13. V5 23, V6 32, V7 31, V8 20. Also consider a line segment defined by P1 -11 and P2 33. Then perform line clipping against given polygonal window by using Cyrus Beck algorithm. So if such kind of numerical is given to us, one window is given which consisting of 8 vertices and one line segment is given to us. Now Cyrus Beck algorithm apply karna hai aur line clipping identify karna hai. So line clipping jab hum perform karenge, sabse pehla kaam, to jo bhi polygonal window humko diya hai us window ko hum plot kare, sath sath hamare paas jo line segment hai usko bhi hum plot kare. To plotting humne yahan perform karke rakha hai. V1, then V2, V3, V4, V5, V6, V7 and V8. So here V8 is 20, that's why 20, and V1 is 10, so V1 is 10. So in this way V1 to V8 vertices ko humne plot kiya aur pura window banaya. So window will consist of 8 vertices aur line segment jo hai pehla starting point P1 -1 to 1, so P1 is -1 to 1, and P2 33, so we have P2 3, 3. So in this way pura ka pura polygonal window aur line segment humne plot kiya. Abhi perform karna hai given polygonal window ke liye line clipping. Cyrus Beck algorithm use kar rahe, to jahir si baat hai diya hua window convex rahega. तो यहाँ पे हमारा assumption ये है कि जो भी window हमको दिया हुआ है वो convex है. अगर कोई polygonal window convex है या नहीं ये अगर आपको check करना है, तो इससे पहले वाले video में हमने discuss किया है how to identify a convexity of window. तो please आप उस video को refer कीजिएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो window दिया हुआ है वो window हमारा convex window है और line segment दिया हुआ है. अगर visibly हम देखेंगे तो लाइन सेगमेंट विंडो के थ्रू क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ पोर्शन इज विजिबल इनसाइड अ विंडो. अब ये सारी चीजें विजिबल है, बट थिंक अबाउट अल्गोरिदम जो ब्लाइंड है उसको कुछ नहीं दिख रहा है. तो अल्गोरिदम कैसे क्लिप करेगा या अल्गोरिदम विजिबल लाइन सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो दैट वी हैव टू स्टडी. तो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में जैसे हमने स्टडी किया था कि साइरस बेक अल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, तो साइरस बेक एल्गोरिदम वर्क करते हो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कोई भी पॉलीगोनल विंडो दिया है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस है, तो 8 एजेस है, इसीलिए टोटल आपको 8 इटरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ एजेस आपके नंबर ऑफ इटरेशंस होते हैं, तो 8 इटरेशंस रहेंगे. अब हर इटरेशन में करना क्या है, हर इटरेशन में सबसे पहले आपको एक एज सिलेक्ट करना है, देयरफॉर वी हैव टू आइडेंटिफाई एज ओवर हियर. फिर उस एज के लिए नॉर्मल वेक्टर आइडेंटिफाई करना है. नॉर्मल वेक्टर जैसे ही हमने बनाया, फिर उस एज पे का कोई एक पॉइंट हमें लेना है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम एफ. आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर अ कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यू. अब डब्ल्यू क्यों कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली हमारा एम जो होता है वो होता है द टर्म टू कैलकुलेट टी. टी नाम का टर्म हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन टी. टी का वैल्यू टी लोअर है टी अपर होता है, तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टी. तो अल्टीमेटली हमें टी कैलकुलेट करना है, और टी जब कैलकुलेट करते हैं तो टू कैलकुलेट करते वक्त इट इज ए रेशियो ऑफ व्हाट, निगेशन ऑफ w.n डिवाइडेड बाई d.n. तो w.n और d.n ये दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना, और उसका नेगेटिव वैल्यू जो रहेगा उसको हम बोलते हैं टी. तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टी. तो सबसे पहला काम हमें टी आइडेंटिफाई करना है, और टी आइडेंटिफाई करते हुए जितने भी पॉलीगोनल एजेस हमारे पास है हर एक एज के लिए हम टी आइडेंटिफाई करेंगे. अब टी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसलिए 1 by 1 एज के साथ हम जाते हैं. सबसे पहले हम एज कंसिडर करते हैं V1 to V2, तो देयरफॉर और एज इज V1 to V2. अब V1 V2 एज के लिए हमें इनर नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है n. इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि इनर नॉर्मल वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो सपोज दिस इज व्हाट आवर x एंड दिस इज व्हाट
our y-axis, then how to identify inner normal factor? So we have to consider the edge. Edge कौन सा है? V1, V2. तो V1, V2 edge हमारा इस तरह का edge है. V1, V2. अब V1, V2 edge जो है, ये तो ना ही horizontal है, ना ही vertical है. मींस एज कैसा है? स्लैंटिंग एज. तो जब कभी भी कोई एज स्लैंटिंग एज दिया हुआ होता है तो उसके लिए इनर नॉर्मल फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना? तो इनर नॉर्मल फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. किसे? गिवन सेगमेंट के लिए. तो गिवन सेगमेंट मेरा V1 टू V2 है, इसके लिए परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा. नाउ दिस इज अ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक्स एक्सिस कितना चलना पड़ा और वाई एक्सिस कितना ट्रेवर्स करना पड़ा, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो सपोज इतना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स डिस्प्लेसमेंट इतना करना पड़ा और बाद में वाई डिस्प्लेसमेंट इतना करना पड़ा. अब हमने ये इनर ही क्यों लिया, आउटर क्यों नहीं? तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो भी पॉलीगॉन रहेगा उस पॉलीगॉन के इनसाइड हमको पेनिट्रेट करना. तो ये अगर एज है तो इस एज को हमें ऐसे ही पेनिट्रेट करना है. दैट्स व्हाई इट शुड बी टुवर्ड्स इनसाइड. और ये इनसाइड अगर रहेगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको एक्स एक्सिस में इतना चलना है और वाई एक्सिस में इतना चलना है. अब एक्स एक्सिस इतना मींस हाउ मच? दिस इज व्हाट? प्लस एक्स. तो प्लस एक्स को बोलते हैं प्लस वन. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स. और प्लस वाई, this is what once again called as plus 1. So that's why inner normal vector for edge V1, V2 will be plus 1 and plus 1. So in this way, inner normal vector will be plus 1, plus 1. After that, we have to go for F. F हमारा एक पॉइंट रहेगा जो उस एज पे से कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे. अब V1 V2 एज अगर लेते हैं तो V1 V2 एज पे आर्बिट्री पॉइंट हमारा V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, या फिर कोई इन बिटवीन वाला पॉइंट भी हो सकता है. बट हमने बोला था कि हम ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो कॉमन हो. तो V1, V2 और V2, V3 के लिए कॉमन पॉइंट अगर हम V2 ले लेते हैं तो इससे हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस रिड्यूस होंगे. देयरफॉर हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं V2. तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ V2? 0, 1. तो देयरफॉर F विल बी 0, 1. तो यहाँ पे 0, 1 का मतलब क्या है? वी आर कंसिडरिंग पॉइंट V2. आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ W. W क्या है? तो W विल बी इक्वल्स टू P1 माइनस F. नाउ व्हाट इज W? W विल बी इक्वल्स टू P1 माइनस ऑफ F. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? P1 मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट है -1, 1. तो -1, 1. माइनस F. F क्या है? 0, 1. तो F इज 0, 1. Now we have to perform the subtraction. -1 - 0, it will be equals to -1. And 1 - 1, it will be equals to 0. So therefore we are getting W -1, 0. So simply here I am writing -1, 0. So in this way we got the value of W. After that we have to go for computation of dot product. W dot n. Where is W? W hai aapke paas yahan pe, -1, 0. So here we have to go for computation of dot product. W dot n. What is W? W is -1, 0 dot n is +1, +1. So here simply I am writing 1, 1. No need to write plus sign over here because plus ka matlab by default 1 hoga. So -1 into 1, this is calculated as -1 into 1 +0 into 1. Now -1 into 1 will be -1 and +0 into 1 will be 0. Therefore finally what we are getting? -1. So W dot n will be equals to -1. Next thing we have to calculate dot product D dot n. Now what is D? So basically D is equals to P2 minus of P1. Simply we have to find out a difference in between what? Ending point and starting point. So what is P2? P2 is given to us 3, 3. Minus P1. P1 is -1, 1. So 3 - -1, that is 3 - -1, 3 + 1, 3 - -1, that will be equals to 2. So 3 + 1, 4, and this will be 2. So 4, 2 will be D. So here I am having D is equals to 4, 2. After that D dot n. So this is D, 4, 2, and n is 1, 1. 1, 1. Simply we have to compute the product. Product will be 4 into 1
plus 2 into 1, 4 into 1, 4, plus 2 into 1, 2, it comes out 6. Therefore, d dot n will be equals to 6. So, in this way, we got w dot n and d dot n. After that, we have to compute the value of t. Now, how to compute the value of t? To t is calculated by using this formula. But prior to that, what we have to do? We have to go for categorization of t. Either t should be categorized as t lower or t upper. तो t लोअर वैल्यू कौन सा होगा या t अपर वैल्यू कौन सा होगा तो t लोअर या t अपर या कैटेगराइजेशन सिंपली हम डिसाइड करते हैं बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ d डॉट n. d डॉट n का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इट शुड बी कैटेगराइज एज t लोअर और d डॉट n का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इट शुड बी कैटेगराइज एज t अपर. लेकिन अगर d डॉट n का वैल्यू 0 आता है तो t कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है. तो इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू d डॉट n इज इक्वल्स टू 0 No need to go for computation of t. लेकिन अगर आपको d dot n की value positive मिलती है, तो आप calculate करेंगे t lower. और d dot n की value अगर negative मिलती है, तो आप calculate करेंगे t upper. तो what is the current value of d dot n? It is positive. और positive है इसलिए कौन सा value calculate करेंगे हम t lower. तो t upper में value आएगा क्या? No. तो t upper में value नहीं आएगा इसलिए हमने dash लिख दिया. Simply we have to go for computation of t lower. अब t lower calculate करेंगे. तो t lower will be equals to w dot n means this particular column w dot n simply t lower calculate karenge w dot n is minus 1 and d dot n this is 6 inka ratio uska negation to minus 1 by 6 ka minus that will be equals to plus 1 by 6 therefore here we will get the value 1 by 6 so this is for first edge v1 v2 we got n that is inner normal factor one of the common point f humne yahan pe consider kiya tha v2 that's why 0, 1 then w calculate kiya p1 minus m w dot n dot product kaise calculate karenge in this way we have calculated w dot n then we have d dot n this is calculation for d dot n finally t lower kyun kyunki d dot n ka value kaisa hai positive aur t lower calculate kiya by using this formula t will be equals to negative ratio of w dot n divided by d dot n so w dot n kitna tha hamara minus 1 d dot n kitna tha hamara 6 therefore minus 1 by 6 ka negative this negation is there that's why we are getting value positive 1 by 6 so in this way finally we got positive 1 by 6 so this is for edge v1 v2 so same calculations we have to do for all the edges ab hum jayenge next edge ke liye pehla edge tha v1 v2 which we have completed so we have done with v1 v2 next edge v2 v3 so therefore simply next edge is v2 to v3 ab v2 v3 edge ke liye aapko inner normal factor find out karna hai कैसे फाइंड आउट करेंगे तो फिर से दिस इज व्हाट माय एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस v2 v3 edge कैसा है इट इज अ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज तो दिस वन इज v2 एंड दिस वन इज v3 तो v2 v3 एज के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे तो परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा और बॉडी की इनसाइड होना चाहिए पॉलीगॉन के दैट्स व्हाई उसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा अब इसके लिए एक्स डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया यहां से यहां पहुंचने के लिए एक्स डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया दिस इज प्लस 1 वाई डिस्प्लेसमेंट करने की जरूरत है क्या नहीं तो हमेशा याद रखिए जब आपका एज वर्टिकल है तो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी देयर लेकिन अगर आपका एज हॉरिजॉन्टल है जैसे कि v8 v1 तो वहां पे ओनली वर्टिकल कंपोनेंट आएगा तो व्हाट विल बी द इनर नॉर्मल वेक्टर तो यहां पे x कंपोनेंट प्लस 1 है लेकिन y कंपोनेंट है क्या नो तो x कंपोनेंट विल बी प्लस 1 एंड y कंपोनेंट विल बी 0 तो इनर नॉर्मल वेक्टर विल बी प्लस 1 कॉमा 0 तो हियर प्लस 1 कॉमा 0 दिस विल बी द इनर नॉर्मल वेक्टर देन f is a common point हमने बोला था common point उस एज पे का कोई भी point हम ले सकते हैं लेकिन common point हम इसलिए ले रहे ताकि हमारे calculations reduce हो सके तो हमने v1 v2 के लिए v2 point लिया था v2 v3 के लिए फिर से v2 लेंगे तो what are the coordinates of v2 v2 के coordinate देखिए आप here x is 0 and y is 1 therefore 0, 1 after that we have to compute w W will be P1 minus F. अब P1 क्या है? हमारा fix point यानी starting point. Starting point is minus 1, 1. And F is 0, 1. तो जो calculation हमने earlier वाले row के लिए किया था, same calculation हमें यहाँ पे भी perform करना पड़ेगा.
तो देयर फोर बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने ये कॉमन पॉइंट लिया था। अगर कॉमन पॉइंट नहीं लोगे यहाँ पे तो आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपली माई वैल्यू ऑफ P1 इज फिक्स्ड, वैल्यू ऑफ F इज फिक्स्ड, क्यों? क्योंकि हमने रो वन और रो टू के लिए दोनों वैल्यू फिक्स रखी है, इसलिए वैल्यू कितना आएगा -1,0। After that next we have to compute W.n. अब W कितना आपका? W है -1,0. तो here we have to go for computation of W.n. W is -1,0 and n is 1,0. कैसे कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट? -1 into 1 plus 0 into 0. तो -1 into 1 will be equals to -1 plus 0 into 0 0. And whole sum will be equals to -1. Therefore, W.n will be equals to once again -1. After that, D.n. अब D कैसे calculate करेंगे? तो D हमने इससे पहले भी calculate किया था. D क्या था? D was equals to P2 minus of P1. P2 कितना है हमारा? P2 is 3,3 minus P1. P1 is -1,1. So 3 minus minus 1 it will be equals to 4 and 3 minus of 1 it will be equals to 2. So we got D is equals to 4, 2. हम यहाँ पे note करके रखेंगे D is equals to 4, 2. This is the value we are getting. Then what we have to do? We have to compute D dot n. So here D dot n. D is 4, 2. And n for current row is 1, 0. Simply compute dot product 4 into 1. This will be equals to 4 plus 2 into 0, 0. So how much it will be? 4. That is plus 4. So here D dot n will be equals to plus 4. Now next, T lower mein jayega ya T upper mein jayega? Simply check for the value of D dot n. D dot n value positive hai, to kaha aega? T lower mein. So T upper will be dash. Now D dot n 4 agar hai, to T aapko lower calculate karna hai. T lower kya hoga? Here T lower, T will be equals to negative of W dot n is -1 divided by D dot n, this is 4. So minus of -1/4, it will be equals to +1/4. That's why here value will be +1/4. Now what you have to do? Simply you have to pause the video and after that you have to do the computation for all the rows. And after that we will check whether we are getting correct answer or not. So we have done for age V1, V2 and V2, V3. We have to go for one more age. Age is V3, V4. So here V3, V4. As far as this age is concerned, now we have to compute inner normal vector V3, V4. Such kind of age we have. V3 and V4. सबसे पहला काम इसके लिए inner normal vector बनाओ. Inner normal vector कैसा बनेगा? Inside आएगा. अब यहां तक अगर आपको पहुंचना इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो x डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा? x डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन एंड y डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन. नाउ व्हाट इज x? x पॉजिटिव डायरेक्शन, x कंपोनेंट विल बी +1. व्हाट इज y? y इज नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स y -1. y के लिए नेगेटिव क्यों? क्योंकि y का प्लस ऊपर वाला डायरेक्शन +1 है, लेकिन हम जा कहां रहे? नीचे, दैट्स व्हाई इट इज -1. तो ईयर नॉर्मल वेक्टर फॉर v3 v4 इज +1 -1. आफ्टर दैट वन ऑफ द पॉइंट. अब v3 v4 और v4 v5 के लिए हम कॉमन पॉइंट v4 लेंगे, इसलिए आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ v4. v4 कोऑर्डिनेट्स आर 1 3, देयरफॉर 1 3. आफ्टर दैट कंप्यूट w. W will be equals to P1 minus of F. What is W? W will be equals to P1. P1 is -1,1 minus F. F we are considering 1,3. 1,3. So -1, -1, it will be -2. And 1, -3, it will be -1, -1, it will be -2. And 1, -3, it will be equals to once again -2. So therefore we are getting W is equals to -2, -2. So we are getting W is equals to -2, -2. After that we have to go for W dot N. Now W we got -2, -2. This is W dot N. N H, N we have +1, -1. So we have to simply calculate this. So -2 into 1 plus -2 into -1, -2 into 1, -2 plus -2 into -1, it will be equals to +2.
So minus 2 plus plus 2, it will be equals to 0. Therefore, we are getting w dot n is equals to 0. Now, w dot n is equals to 0. We have to go for d dot n. D dot n, d is 4 comma 2. So d is 4 comma 2 dot n, n is 1 minus 1. 1 minus 1, d dot n, 4 into 1, 4. Plus 2 into minus 1, minus 2. So 4 minus of 2, it will be equals to plus 2. So simply d dot n will be equals to plus 2. After that, we have to categorize it as t lower or t upper. So simply look at the value of d dot n. D dot n value agar aapka positive hai, to it should be categorized as t lower. Ab t lower karke categorize agar hum karenge, to categorize karte waqt t upper kya ho jayega? Dash. So now d dot n will be equals to w dot n divided by d dot n. So 0 by 2 uska negative. So it will be equals to only 0. So therefore we are getting the value 0. So this is for edge v3, v4. Now we will go for next edge. Next edge will be v4, v5. Kyunki v3, v4 humne kiya hai, v4, v5. So here edge is v4, v5. So as far as V4, V5 is concerned, once again we have to go for computation of inner normal vector. Yeah, inner normal vector agar calculate karte hai, to ye edge agar V4, V5 hai, to perpendicular kaise aayega? Is tarike se. Yahan pe x component aayega? No, only y component will be there. So x component will be 0 and y component downward hai. Yani kitna hoga? Minus 1. So that's why inner normal vector will be 0, minus 1. After that, you have one of the common point. Now, common point, we will take it on the top of it. Because we had said before that V2, V3, V3, V4 for the only one. And V4, V5 for the common point, V4 will take it. So, V4 point will take it. V4 point coordinates are 1, 3. Therefore, 1, 3. After that, W, P1 minus F. So, here, P1 fixed point hai, F. यही वाला पॉइंट है तो हमें मिला था w -2 -2 तो सेम वैल्यू वी विल गेट फॉर दिस रो आल्सो आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ w डॉट n तो w इज -2 -2 डॉट n वी हैविंग 0 -1 तो इट विल बी इक्वल्स टू -2 × 0 प्लस -2 × -1 होल टर्म विल बी 0 plus 2. So your answer will be equals to plus 2. So therefore w dot n we are getting plus 2. Next we have to compute d dot n. D we have 4 comma 2. This is d. And n we have 0 minus 1. 0 minus 1. So simply 4 into 0. 4 into 0 plus 2 into minus 1. So it comes out 0. Minus of 2, the answer will be minus 2. So d dot n will be minus 2. Now t lower or t upper. So agar d dot n ka value positive hai, to kya milega? T lower. Lekin d dot n ka value agar negative hai, to we have to categorize it as t upper. So therefore t lower may be dash aega and we will get the value in case of t upper. Ab t upper kaise calculate karenge? So t upper will be negative of w dot n we have 2 and d dot n denominator mein jayega d dot n kitna hai minus 2 so it will be minus of minus 1 so it nothing but plus 1 minus of minus 1 it will be plus 1 therefore here we have t upper will be equals to plus 1 so same set of calculations we have to apply for all remaining edges. So what you have to do, simply you have to pause the video and after that you take the edges V5, V6, V6, V7, V7, V8 and V8, V1 and for all 4 edges you have to apply same set of calculation jo ki humne V1, V2, V2, V3, V3, V4 or V5, V4, V5 edges ke liye perform kiya tha. So simply just you have to pause the video and you have to carry out same set of calculations. तो आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द एजेस आपको जो कैलकुलेशंस मिलने चाहिए वो कुछ इस तरह से होने चाहिए v5 v6 नॉर्मल वेक्टर -1 -1 f 3 2
क्यों? क्योंकि v5 v6 और v6 v7 के लिए कॉमन पॉइंट क्या लेने वाला है, v6, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 32। अगर आपने कुछ अलग लिया है तो नो मैटर, उसके लिए अलग से आएगा। बट जैसे कि हम लॉजिक फॉलो कर रहे थे v1 v2 और v2 v3 के लिए v2, v3 v4 v4 v5 के लिए v4, वैसे v5 v6 और v6 v7 के लिए क्या लेंगे, v6। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 32। आफ्टर दैट w कैलकुलेट किया, सम कैलकुलेशन p1 माइनस f, तो वी आर गेटिंग -4 -1, w डॉट n 5, d डॉट n -6। अब यहाँ पे सिंपली d डॉट n की वैल्यू अगर निगेटिव आती तो कहाँ कैटेगराइज होगा ये, t लोअर या t अपर? तो हियर इट विल बी कैटेगराइज इनटू t अपर। क्यों? क्योंकि d डॉट n की वैल्यू डिसाइड करती है, निगेटिव है तो अपर में और पॉजिटिव है तो t लोअर में। तो हियर इट विल गेट कैटेगराइज इनटू t अपर, और बाद में जो वैल्यू निकलेगा t अपर का वो रहेगा w डॉट n d डॉट n इनके रेशियो का नेगेटिव। तो w डॉट n d डॉट n इनका नेगेटिव, तो ये रेशियो आएगा -5/6 उसका नेगेटिव, +5/6, दैट्स व्हाई वी आर गॉट +5/6। सेम कैलकुलेशन हमें v6 v7 v7 v8 और v8 v1 के लिए परफॉर्म करना है, एंड सिंपली चेक करना है आपके कैलकुलेशन इस तरह से आए या नहीं। यू हैव डन योर कैलकुलेशन करेक्टली, तो आपके और मेरे कैलकुलेशन मैच होना चाहिए। तो दीज आर द करेक्ट कैलकुलेशन। तो इन दिस वे वी गॉट टी लोअर एंड टी अपर। तो बेसिकली अभी तक हमारा एम यही था कि सारे के सारे एजेस को वन बाय वन लेने का, और एजेस लेने के बाद हर एज के लिए टी की वैल्यू कैलकुलेट करने का। अब वो टी का वैल्यू टी लोअर या टी अपर इस तरह से कैटेगराइज करना है। तो वी फाइनली गॉट द वैल्यू ऑफ टी लोअर लाइक दिस एंड वैल्यू ऑफ टी अपर लाइक दिस। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम हमारा होता है कि टी लोअर में से मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करना और टी अपर में से लो मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना। तो वी विल गो फॉर दैट। तो इन दिस वे वी गॉट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। तो टी के वैल्यूज जो थे हमने टी लोअर और टी अपर करके कैटेगराइज करके रखे थे, तो टोटल हमें 8 वैल्यूज मिले थे, उनमें से 4 को हमने टी लोअर में डाला था और 4 को हमने टी अपर में डाला था। अब टी लोअर और टी अपर की वैल्यू फाइनलाइज करना है, तो वी वॉन्ट टू कंप्यूट फाइनल वैल्यू ऑफ टी एल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ टी अपर। तो फाइनल वैल्यू ऑफ टी लोअर क्या होगा? तो टी लोअर का फाइनल वैल्यू होता है जितने भी आपको टी लोअर के वैल्यूज मिले हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देयरफॉर फाइनल टी एल विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ जितने भी आपको वैल्यूज मिले थे। तो टी लोअर के लिए जो वैल्यूज मिले थे वो 4 थे, उसमें से 0 वाला वैल्यू जो था उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो दैट्स वाई 1/6, 1/4 एंड -1/2 इनमें से मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू एज 1/4। तो देयरफॉर फाइनल टी एल विल बी इक्वल टू 1/4। वैसे ही टी अपर में से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1, 5/6, 1 एंड 2, इनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइनल टी अपर विल बी इक्वल टू मिनिमम अमाउंट 1, 5/6, 1, 2। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू जो मिल रहा है दैट इज 5/6। देयरफॉर फाइनल वैल्यू ऑफ टी एल इज 1/4 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ टी अपर इज 5/6। तो इन दिस वे हमारा काम था फाइनल वैल्यू ऑफ टी एल एंड टी अपर फाइंड आउट करना। इसके बाद हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करते हैं, और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करने के बाद इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। टी लोअर के लिए अगर इंटरसेक्शन फाइनल टी लोअर को अगर कंसिडर करते हुए पैरामेट्रिक इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन के बाद जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो वाला पॉइंट नियरर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन होता है। तो हम सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इज p = p₁ + p₂ - p₁ × t। दिस इज व्हाट अ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करते हुए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते वक्त सबसे पहले कंसीडर करेंगे टी एल। देयरफॉर फॉर टी एल इज इक्वल्स टू 1/4। हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इक्वेशन 1 अगर बोलते हैं तो फॉर टी एल इज इक्वल्स टू 1/4 इक्वेशन 1 कैसे मिलता है वो देखेंगे। तो इक्वेशन 1 फॉर फाइंडिंग एक्स कोएफिशिएंट, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो रहेगा उसके दो कोएफिशिएंट्स रहेंगे, कोऑर्डिनेट दो रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते वक्त पी एक्स विल बी इक्वल टू पी वन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी वन? -1। देयरफॉर -1 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी टू, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी टू इज 3, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी वन -1,
into t. T is 1 by 4. So it will be equals to minus 1 plus 3 plus 1, that will be equals to 4 into 1 by 4. 4, 4 will get cancelled, and here we having minus 1 plus 1 is equals to 0. Minus 1 plus 1 is equals to 0. Therefore, we are getting x coefficient as 0. Similarly, we have to compute y coefficient. Y coefficient, agar calculate karte, to it will be py. Py will be equals to y coefficient of p1. Y coefficient of p1 is 1. Therefore, 1 plus y coefficient of p2. Y coefficient of p2 is 3 minus y coefficient of p1, that is 1, into t. T is 1 by 4. Now it will be equals to 1 plus 3 minus of 1, that is 2, into 1 by 4. So 2, 2 will get cancelled. So it will be equals to 1 plus 1 by 2, it will be equals to 1.5. So I am getting y coordinate as 1.5. Therefore, whatever the intersection point I am getting, I1 intersection point will be equals to px 0 and py 1.5. So therefore, if we are considering TL, then we will get the intersection point which is nearer to the beginning of line segment. Beginning of line segment kahan se tha? P1 se. Isliye ye intersection point, wo wala intersection point chahiye jo aap P1 se shuru ho rahe hain aur baad mein aapko first intersection mil raha hai window edge ke sath. To first intersection kahan pe mil raha hai? To here we are getting the first intersection point over here. What are its coordinate? Here x coordinate is 0 and y coordinate is 1.5. So this is point I1. And what are the coordinates of I1? 0, 1.5. So this is about the first intersection point which we got when we are using t value as a t lower. तो हमेशा याद रखिए t lower जब भी हम use करेंगे तो हमेशा हमें वो वाला point मिलेगा which will be nearer to the beginning of लाइन सेगमेंट, यानी P1 के करीब जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा हमें किसकी वजह से, T लोअर की वजह से. नाउ वी विल गो फॉर अनदर इंटरसेक्शन पॉइंट. तो इससे पहले हमने जो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया था वो था T लोअर, और T लोअर यूज करते हुए जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था वो था I1 0.1.5, जो पॉइंट था हमारा I1. नाउ वी हैव टू गो फॉर अनदर इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि यहाँ पे है. इस इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे टी अपर. तो टी अपर में फाइनल टी अपर हमें मिला है 5/6. वंस अगेन वी हैव टू यूज सेम पैरामीट्रिक इक्वेशन. सेम पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करते वक्त हियर फॉर टी अपर विल बी इक्वल टू 5/6. इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट अप करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट. तो पहले फाइंड आउट करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट. तो px विल बी इक्वल टू वंस अगेन p1. p1 का एक्स कोऑर्डिनेट -1 प्लस p2, p2 का x कोऑर्डिनेट 3 माइनस p1, दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस 1 इनटू t. t इज 5/6. सिंपली वी हैव टू डू दिस कंप्यूटेशन. माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1 इनटू 5/6, तो इट कम्स आउट माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1 4 इनटू 5/6. So simply you have to do this calculation. After doing this calculation, we are getting final value minus 1 plus 3.33, and it will be equals to 2.33. So this is px. Same thing we have to do for py. Py. Py will be equals to p1. P1 y coordinate. Kitna hai? 1. Plus p2 y coordinate. This is 3 minus p1 y coordinate 1 into t. T is 5/6. Value substitute k, simply we have to go for a computation. 1 plus 3 minus 1, that is 2, into 5/6. So it will be equals to 1 plus 2 into, now 5/6. 5/6 is 0.83. It will be equals to 1 plus 1.66. This is nothing but 2.66. So we are getting py coordinate at 2.66 and x coordinate at
2.33. Therefore, due to T upper, whatever another intersection point we are getting, that another intersection point is I2, and I2's x coordinate is 2.33 and y coordinate is 2.66. So here I am having I2 and I2's x coordinate is 2.33 and y coordinate is 2.66. So this is what my another intersection point. So now finally what we have to do? So finally Cyrus Beck algorithm tells us from here to here my line segment is visible. So basically my line segment is visible from I1 to I2. Therefore your line will get clipped from I1 to I2. So this much amount of portion of line segment will be clipped. So this is about this numerical, how line clipping will be performed. So if given window is this one and line segment is this one, therefore clipped line segment will be from I1 we have 0, 1.5 to I2 is 2.33 to 2.66. So this is all about this numerical and working of Cyrus Beck algorithm.